सहरसा में स्ट्रीट वेंडरों का अनिश्चितकालीन आमरण अनशन लगातार तीसरे दिन भी जारी है। स्थानीय स्टेडियम के समीप लगभग सैकड़ों की संख्या में स्ट्रीट वेंडर अपने विभिन्न मांगों को लेकर अनशन पर डटे हुए हैं। दरअसल सहरसा जिला प्रशासन द्वारा शहर के वीर कुंवर सिंह चौक से लेकर सदर अस्पताल रोड तक सड़क किनारे खाली सरकारी जमीन पर दुकान चला रहे फुटपाथ दुकानदारों को नोटिस जारी कर 3 दिन के भीतर अपनी अपनी दुकानें हटा लेने को कहा गया है, अन्यथा प्रशासन द्वारा जबरन अतिक्रमण हटाया जाएगा, जिसके बाद स्ट्रीट वेंडरों के सामने बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई है और इसको लेकर सभी स्ट्रीट वेंडर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। इन फुटपाथ दुकानदारों का कहना है कि वो वर्षों से फुटपाथ पर दुकान चलाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं और प्रशासन द्वारा उन्हें एकाएक दुकान हटाने को कहा जा रहा है, जबकि शहर में अन्य कई जगहों पर बड़े दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, लेकिन उन्हें प्रशासन कुछ नहीं कह रही है। जबकि छोटे मोटे दुकानदारों को हटाया जा रहा है, इसलिए हम लोगों की मुख्य मांग है कि प्रशासन वेंडिंग जोन बनाकर फुटपाथ दुकानदारों को स्थायी रूप से बसाएं, फुटपाथ दुकानदार को पूर्वाश्रित करके ही हटाएं और फुटपाथ जीविका संरक्षण अधिनियम 2014 एवं पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट को सरजमीन पर लागू किया जाए। दुकान और तो रहा सर, इसीलिए इसी का दुकान दुकान है, चूड़ी और की दुकान है, नाश्ता उस्ता की दुकान है। क्या कहना चाहते हैं जैसा हम लोग क्या उसको अथी करते हैं, अपना यहाँ कमा करके बाल बच्चा का भरण पोषण करते हैं। अब हटा देगा तो फिर क्या कीजिएगा? नहीं नहीं, यहाँ से हटेंगे, हम लोग बैठे रहेंगे, भूखल प्यासा ले रहेंगे, कहाँ जाएंगे बाल बच्चा छोड़ करके यहाँ से। आप लोग क्या चाहते हैं? सरकार से ही चाहते हैं हम लोग को यहाँ स्थायी जगह दे। क्या नाम है? आशा। मामला ये है कि लगातार जिला प्रशासन और नगर परिषद के द्वारा नोटिस दे करके अतिक्रमण के नाम पर हम लोगों को उजारा जा रहा है, जबकि हम लोगों के हित के लिए फुटपाथ जीविका संरक्षण विधेयक 2014 और पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी नगर विकास विभाग का लगातार सरकार को और नगर विकास विभाग को आदेश आ रहा है, नगर परिषद को आदेश आ रहा है कि इन लोगों को अस्थायी रूप से बसाइए, लेकिन प्रशासन वैसा नहीं कर रही है। अतिक्रमण के नाम पर हम लोगों के रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ कर रही है, हम लोगों को भूखे मरने के लिए विवश कर रही है। इसी के आलोक में हम लोग अपने मांगों के तहत आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और आमरण अनशन के द्वारा यदि जब तक तब तक चलेगा जब तक कि हम लोगों की मांगों की पूर्ति नहीं हो जाती है। कब से ये आमरण अनशन शुरू? 22/5/2022 से। क्या नाम है आपका? शंकर कुमार। क्या आप? हम मुख्य कार्यपालक हैं। जिला पदाधिकारी के द्वारा वीर कुंवर सिंह चौक, महिला कॉलेज रोड, हॉस्पिटल रोड के सभी फुटकर दुकानदार को बजाता नोटिस नगर परिषद के द्वारा दे करके चिपकाया गया कि आप लोग अपना अतिक्रमण हटाए। उसी के विरोध में हम लोग अपना अधिकार के लिए यहां पर आमरण अनशन पर बैठे हैं। तो जहां दुकानदारी आप लोग कर रहे हैं, कितने दिनों से दुकानदार कर रहे हैं यहां पर आप लोग? विगत 20 वर्षों से हम लोगों की दुकानदारी इस रोड में चल रही है। अगर अतिक्रमण कर हटाया जाता है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? सरकार से इसके लिए जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि हम लोग का जो कानून है उसके तहत हम लोगों को बसाया जाए। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार। क्या कुंजी का दुकान है? सब्जी दुकान है। देखिए, हम लोग 20-25 वर्षों से दुकानदारी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं और बार बार प्रशासन के द्वारा अल्टीमेटम दे दिया जाता है दुकान हटाया जाए। हम लोगों का कोई स्थायी निदान नहीं किया जा रहा है, उसी के लिए हम लोग आमरण अनशन पर हैं ताकि हम लोगों का स्थायी निदान हो। और बार बार हम लोगों को टॉर्चर किया जाता है, जहां जाम की समस्या है, जहां बारंबार जहां पूंजीपति हैं उनको नहीं छेड़ा जाता है, लेकिन हम लोग जो फुटकर दुकानदार हैं हम लोगों को बार बार तंग तबाह किया जा रहा है। इसके स्थायी निदान के लिए हम लोग अनशन पर हैं। तक ये अनशन चलेगा जब तक हम लोगों का स्थायी निदान नहीं होगा। क्या नाम है? मेरा नाम मंजीत कुमार सिंह है।